हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल नौकरी 24 पर। एक बहुत ही शानदार न्यूज है, बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है। नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या आपसे डिमांड की जाएंगी, जैसे आपकी एज क्या मांगी जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फिजिकल इसमें क्या रहेगा, है ना, सभी कुछ इस वीडियो में आज हम जानेंगे। नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी भर्ती से रिलेटेड अपडेट, चाहे कोई नई भर्ती आए चाहे कोई पुरानी चल रही हो, हर एक चीज मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया है कि हम बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के बारे में आज बात करेंगे। कांस्टेबल ड्राइवर के बारे में रिक्रूटमेंट अगर मैं बात करता हूँ तो 2024 और 25 रहने वाला है ना साथियों। अगर मैं इसके फॉर्म की बात करता हूँ तो ये जो आपके फॉर्म है, एप्लीकेशन बिगन है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो जो फॉर्म बिगन यानी कि फॉर्म कब से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके जो फॉर्म है ये दिसंबर या फिर जनवरी से आपके स्टार्ट होने होंगे, है ना, यानी कि दिसंबर की लास्ट से या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में आपका ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं, यानी कि बिहार सरकार को अब आपकी जरूरत है। अगर आपकी जरूरत है तो कुछ ना कुछ आपको लुभाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा, और कुछ ना कुछ देने के लिए क्या है, कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है, यानी कि बेरोजगारों को साधने का काम शुरू कर दिया बिहार सरकार ने, ठीक है। तो चलिए लास्ट डेट की मैं बात करता हूं, तो साथियों नॉर्मली आपको मालूम भी होगा कि कोई भी वैकेंसी आती है तो 30 दिन का समय लगभग दिया जाता है, ये जनरली है, सभी को मालूम है, है ना। लास्ट डेट भी वही होती है जो फी की लास्ट डेट, जो आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट होती है ना। एग्जाम डेट तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी में आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम कब होगा, लगभग 5 से 6 महीने खेच देते हैं एग्जाम में, नॉर्मली आप समझ लीजिए इतना, है ना। तो अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं तो ऐसे समझ लीजिए आप के अगस्त सितंबर तक आपका, अगस्त या सितंबर 2025, हो सकता है कि लास्ट में भी दिसंबर तक भी आप पहुंच जाए एग्जाम, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद बहुत सारी चीजें इसमें होती है, ठीक। इसके अलावा एडमिट कार्ड आपका बिफोर एग्जाम आएगा। अब इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि एप्लीकेशन फी की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या इसमें फी आपकी लगने वाली है फॉर कॉन्स्टेबल की वैकेंसी या ड्राइवर की, तो इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या फिर आप अदर स्टेट से हैं, तो आपकी जो फीस होगी वो 450 रुपए लगेगी। अगर आप वोमेन है, एससी एसटी से हैं या फिर एक्समैन है, तो केवल आपकी 112 रुपए ही फीस लगेगी। साथियों किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी आती है, जैसे बिहार सरकार की वैकेंसी है, बिहार राज्य की वैकेंसी है, बिहार सरकार इसको निकाल रही है, तो जो अदर स्टेट है यानी कि जैसे बिहार के आसपास का राज्य है, केवल इन्हीं की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे भारत के राज्यों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस भी राज्य में वैकेंसी निकलती है उसके आसपास करके जितने भी राज्य होते हैं वही बच्चे अक्सर इस फॉर्म को डालते हैं। जैसे बिहार में ये आ रही है तो बिहार के पास के जितने भी राज्य हैं, जैसे यूपी है, दिल्ली है, है ना, जैसे मध्य प्रदेश है, झारखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, है ना, ये ज्यादातर यही बच्चे इसमें फॉर्म को सबमिट करेंगे अदर स्टेट के। ऐसा नहीं है कि बिहार में निकल रही है तो जम्मू कश्मीर से बच्चा आएगा या फिर आपका कहां से साउथ से बच्चा आएगा। हाँ डाल सकते हैं, लेकिन रियर केस में होता है, इतना लंबा कोई बच्चा नहीं जाता। लेकिन जो जैसे अगर यूपी में आ जाए तो आसपास कर जितने भी स्टेट्स हैं वहां के बच्चे ज्यादा फॉर्म डालेंगे, जैसे बिहार में आ रहा है तो बिहार के आसपास कर वाले ज्यादा डालेंगे। जो भी वैकेंसी आती है किसी भी स्टेट में, तो बिहार जैसे बिहार में आ रही है ना, जितने पद होंगे उसका 5 से 10% कोटा अदर स्टेट के लिए होता है, इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ के हम देखते हैं एज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एज इसमें क्या मांगी जाने वाली है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, तो कम से कम 20 होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, ये नॉर्मल आयु है 20 से 25। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का इसमें छूट दे दी जाएगी, यानी कि अधिकतम आयु आपकी 28 वर्ष हो जाएगी। अगर आप एससी या फिर एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट के साथ में 30 साल इसमें अधिकतम हो जाएगी, है ना। अदर स्टेट के बारे में आपको बता दूं, जो भी हमारे साथी अदर स्टेट से बिहार की कांस्टेबल ड्राइवर के जो भी फॉर्म डालना चाह रहे हैं, याद रखेंगे आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी से आते हो, आप दूसरे जब स्टेट में फॉर्म डालते हैं तो वो जनरल में आपको काउंट होना पड़ता है ना, जनरल में, यानी कि अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं या फिर जनरल से हैं, आपको अदर स्टेट में जनरल में ही आपको काउंट किया जाएगा, यानी कि आपकी जो एज मांगी जाएगी 20 से 25 वर्ष आपकी एज मांगी जाएगी, याद रखेंगे इसका, है ना। इसके अलावा आगे बढ़े पे एंड मैट्रिक लेवल की बात कर लेते हैं, यानी कि वेतन भत्ते की, 21,700 से आपका 69,100 रुपए तक इसमें वेतन आपका बनेगा, और ये लेवल 3 की वैकेंसी है। वेतन भत्ता क्या है, वेतन मैंने आपको बता दिया, महीने पे जो आपका जो वेतन मिलेगा है ना, 21,700 से 69,100 रुपए तक, याद रखेंगे। आगे बढ़े
टोटल पोस्ट की साथियों मैं आप बात कर लेता हूं, तो 5,500 से अधिक इसमें पद आने वाले हैं। कॉन्स्टेबल ड्राइवर के 5,500 से अधिक पद इसमें आने वाले हैं, याद रखेंगे इस बात को, है ना, 5,500 से अधिक। अब जैसे अदर स्टेट की मैं बात कर लेता हूँ, 5,500 पद है ना, अगर 5% भी अगर कोटा बिहार सरकार देती है अदर स्टेट को तो 275 पद हो गए इसमें। अगर 5,000 5,500 से अधिक अगर पद आते हैं तो उसी हिसाब से कोटा आपका बढ़ जाएगा। अगर 10% देती है तो 550 पद हो गए, है ना, 5,500 से अधिक आते हैं तो थोड़े उसमें भी 550 से अधिक हो जाएंगे, याद रखेंगे। इतनी वैकेंसी बहुत होती है और सबसे अच्छी चीज इसमें यह होती है कि ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है जो बहुत ही कम बच्चों के पास होता है, यानी कि इसमें लगने के चांसेस जो 10-20% तो आपका फॉर्म सबमिट करते ही हो जाता है, याद रखेंगे इस चीज को। क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 10वीं पास ही मांगी जाती है साथियों, अगर आप 10वीं पास है तो आप कॉन्स्टेबल ड्राइवर बिहार सरकार में आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन शर्त क्या रहती है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी है तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। जब आप गाड़ी कब चलाओगे? जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। ड्राइविंग लाइसेंस तीन तरह का होता है नॉर्मली, जैसे सबसे पहले आपका लर्निंग होगा यानी कि जो सीखते हैं, 1 महीने का समय दिया जाता है उसमें, उसके बाद लाइट होता है और लाइट के बाद होता है आपका हैवी, है ना। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMV ही आपका लाइसेंस चाहिएगा, हैवी की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, है ना। आपका लर्निंग भी नहीं चलेगा और आपका हैवी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। केवल और केवल इसमें आपका लाइट मोटर व्हीकल है ना, LMV ही आपका काम कर जाएगा, याद रखेंगे। अभी आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं, अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाए और अभी से अपना क्या करना, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लें अभी, है ना। लगभग 2 से 3 महीने में आपका तैयार हो जाएगा, जब तक इसके फॉर्म आएंगे आप अपना बनवा सकते हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा, है ना। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, अगर मैं बात करता हूं तो साथियों सबसे पहले इसमें पेपर होना है, पेपर होगा और पेपर जो होगा, जो इसमें पद है जैसे 5,500 है तो 5,500 का 5 गुना इसमें बच्चे लिए जाएंगे। कितना? 5,500 के 5 गुना इसमें बच्चे लिए जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं अगर 5,500 पद है 5 गुना तो 27,500 बच्चे इसमें आगे के लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए इसमें चयन किया जाएगा बच्चों का, है ना। इसके बाद आपका फिजिकल होना है, तो फिजिकल क्या क्या होना है, पेपर में क्या क्या सिलेबस में आपका कौन कौन सब्जेक्ट होंगे वो भी हम आगे बात करेंगे, है ना। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब फिजिकल होगा तभी, है ना। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, है ना साथियों, ड्राइविंग टेस्ट होगा, याद रखेंगे। ड्राइविंग टेस्ट में 1 मिनट में आपको 3 गियर चेंज करने होंगे। अब ड्राइविंग जो टेस्ट होता है उसमें बहुत सारी चीजें उसमें टेस्ट में की जाती हैं, जैसे 8 का बनवाना, बैक गाड़ी को करवाना, गाड़ी कहीं साइड में खड़ी करवाना, बैक करा के गाड़ी को साइड में लगवाना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो आप जब आप गाड़ी चलाना जानते होगे तो नॉर्मली आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मेडिकल होगा आपका, मेडिकल नॉर्मल होता है, और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लगकर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ के अब हम देखेंगे इसमें फिजिकल आपकी क्या क्या डिमांड की जाएंगी, फिजिकल इसमें क्या मांगा जाता है ना साथियों। सबसे पहले मेल की बात कर लेता हूं और फीमेल की बात कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अक्सर जो ड्राइविंग की वैकेंसी आती है उसमें पुरुषों के लिए ही वैकेंसी होती है, अगर महिलाओं की भी अगर इसमें डिमांड की जाती है ड्राइविंग के लिए तो महिलाओं के भी मैंने ऐड कर दिया उसमें क्या क्या डिमांड होने वाली है, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन ज्यादातर जो होता है कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए मेल ही इसमें नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। रनिंग की मैं बात करता हूं तो साथियों 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में रेस मांगी जाती है, यानी कि 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में पुरुषों से मांगी जाती है, महिलाओं से मांगी जाएगी 1 किलोमीटर की रेस और 7 मिनट में, याद रखेंगे महिलाओं से, है ना। चेस्ट की मैं बात कर लेता हूं तो 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट, 81 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का क्या है उसमें फुलाव है ना, फुलाव 5 सेंटीमीटर का। अगर आप SC या फिर ST से आते हैं तो आपको 79 से 84 सेंटीमीटर आपके इसमें चेस्ट मांगी जाएगी, महिलाओं से चेस्ट नहीं होती, उसमें वेट होता है महिलाओं का, है ना, याद रखेंगे। हाइट की अगर मैं बात करता हूं यानी कि आपकी हाइट कितनी इसमें मांगी जाएगी, तो 165 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मली हाइट चाहिए, 165 सेंटीमीटर। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर। इनको छोड़कर SC फिर ST को छोड़कर बाकी सभी के लिए कितनी मांगी जाएगी, 165 सेंटीमीटर हाइट, याद रखेंगे। अदर स्टेट भी 165 है ना। इसके अलावा अगर महिलाओं की अगर हाइट की बात करते हैं तो 155 सेंटीमीटर। वही लॉन्ग जंप की बात करते हैं, लंबी कूद की, तो 10 फीट पुरुषों से और 7 फीट महिलाओं से रेस मांगी जाएगी, है ना साथियों। इसके अलावा अगर मैं हाई जंप की बात करता हूं यानी कि ऊंची कूद की बात करता हूं, तो 3.6 फीट ऊंची कूद
और वहीं अगर महिलाओं की बात करता हूं तो 2.6 ऊंची कूद महिलाओं से ली जाएगी, है ना, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं गोला फेंक की बात करता हूं, जिसमें गोला फेंक भी होगा, गोला फेंक पुरुषों से 16 पाउंड का रहेगा और महिलाओं से 14 पाउंड का रहेगा, है ना, याद रखेंगे, 12 पाउंड का महिलाओं से, ठीक है। अब जो आपका पुरुषों का है 16 पाउंड का, ये आपको 14 फिट फेंकना है, और महिलाओं का जो 12 पाउंड का गोला है वो महिलाओं को 8 फिट फेंकना होगा। ये है आपका फिजिकल, नॉर्मली है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है और आसानी से आप फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हो, है ना, पास कर सकते हो। आगे बढ़ के साथियों हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि इसमें सिलेबस आपका क्या मांगा जाना है, ठीक है, सिलेबस में क्या क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद जरूर रखेंगे, भूलना नहीं है, तैयारी करनी है आपको, है ना। कांस्टेबल ड्राइवर साथियों, जीके आएगी इसमें, जीके आएगी, जीके में 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 ही नंबर के रहेंगे, यानी कि आपका जो एक प्रश्न एक नंबर का होगा, तो ये 40 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मैथ के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 ही नंबर के रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा साइंस आएगी, आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 ही नंबर के इसमें रहेंगे, है ना। हिंदी और इंग्लिश आएगी, 15 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, 7, 7 या 7, 8 जैसे भी ये रहेंगे। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर आएगी, लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 ही नंबर के रहेंगे। ये पेपर आपका साथियों 100 प्रश्न इसमें आएंगे और 100 ही नंबर के होंगे, है ना, याद भी ये भी रखेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे आपके कितने रहेंगे, वो 100 रहने वाले हैं, और नंबर ऑफ मार्क्स भी आपके 100 रहने वाले हैं, यानी कि 100 प्रश्न 100 ही नंबर के रहेंगे। और इसमें जो समय की बात करता हूँ साथियों, 120 मिनट का आपको इसमें समय दिया जाएगा पेपर करने के लिए, 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने होंगे, है ना। निगेटिव मार्किंग की अगर साथियों मैं बात करता हूँ कि निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी या फिर नहीं रहेगी, तो साथियों निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, नॉट नो, है ना, याद रखेंगे, निगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है। इसके अलावा ये जो आपका एग्जाम है साथियों, 99% आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने की संभावना है, बाकी नोटिफिकेशन आएगा तभी हम क्लियर कर पाएंगे के ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन आपका एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा साथियों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे हाई स्कूल की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल मांगी गई है तो हाई स्कूल की होनी चाहिए, इसके अलावा जो भी आपने करी है आगे वो भी आपके पास हो, लगाना चाहो तो लगा सकते हो, है ना। जैसे इंटरमीडिएट की है, आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की, इसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे आप बिहार में ओबीसी से हैं, एससी से हैं या फिर एसटी से हैं, और उसके आधार पर आप कुछ छूट चाहते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि मूल निवास आपके पास होना चाहिए, अदर स्टेट पर भी मूल निवास होना चाहिए, याद रखेंगे, अदर स्टेट को कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो जनरल में काउंट होंगे, है ना। एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको छूट मिल जाएगी, अगर आप लगाना चाहें तो आपको छूट इसमें हो जाएगी आपके, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस इसमें अनिवार्य है, याद रखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है, याद रखेंगे, लाइट मोटर व्हीकल LMV ड्राइविंग लाइसेंस इसमें चाहिएगा। आधार कार्ड और इसमें पैन कार्ड आपका साथ रहेगा, याद रखेंगे। ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट थे जो इंपॉर्टेंट थे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जानी कि नोटिफिकेशन में क्या क्या डिमांड होने वाली है। तो साथियों ये वीडियो यहीं हम इसको समाप्त करेंगे। आपका कांस्टेबल ड्राइवर 5,500 से अधिक पद हैं, जो आपका नोटिफिकेशन दिसंबर की लास्ट 2024 या फिर आपका जनवरी की स्टार्टिंग में 2025 में आपकी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। आज से और अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। आप देखते होंगे कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल है तो उसमें आप पूछना कि कितने आपके दोस्तों पर ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपका 100 का ग्रुप है, 2 से 4 बच्चों पर आपका क्या ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, तो इसलिए आपकी पॉसिबिलिटी इस फॉर्म को डालते ही हो जाती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। 10 से 15%, 20% आपके पास इतना समय है कि अगर आज ही आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आप फॉर्म के लास्ट डेट तक आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने हाथ में ले लेंगे, LMV लाइट मोटर व्हीकल। तो आज ही अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, जो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको आप तैयार कर लीजिए, और मैंने आपको सिलेबस बता दिया, मैंने फिजिकल बता दिया, तो अच्छे से इसकी तैयारी करें। बहुत ही जल्दी आ रही है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, बिल्कुल बहुत ही टेंशन फ्री वाली वैकेंसी है, अच्छी तरह से आप इसको कर सकते हैं। Naukri24 आपका चैनल है साथियों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें, अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।